अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, इट्स मी एएमएस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो यार हम वापस आ चुके हैं अपने व्लॉग्स पे, और जो मेरा क्रिक टॉक्स का सेशन था उस पर जो काफी अच्छे व्यूज आए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। तो यार आज है 13 अगस्त और कल है 14 अगस्त, तो अभी जो है हम बाहर जाएंगे, फ्लैग वगैरह लेके आएंगे और छत पे जाकर जो है फ्लैग लगाएंगे। तो ये काम जो है मैं कल भी कर सकता था, लेकिन आज रात 12 बजे जो है 14 अगस्त हो जाएगी, तो ये फिर आज ही करते हैं। ये इसके साथ जो है ना वहाँ पे फ्लैग लगाया हुआ है, तो हम जो है ना इसके साथ जाएंगे भी बाहर और फ्लैग वगैरह लेके आते हैं, इसका शौक भी पूरा करते हैं। तो लेट्स गो। कौन सा इतने का? और वो भी ले ले। ले, तू करिए था। चुप। पकड़ लोगे? देख लो, इससे तो बड़ा है। तो यार फ्लैग वगैरह लेके वापस आ चुके हैं और 5 मिनट ही लगे हमें, और ये जो है ना फ्लैग ले आए हैं, उड़ना जल्दी ख्याल करना। अभी फिलहाल धूप है तो अभी नहीं जा सकते, और शाम जैसी होगी तो इसका जो है ना जाकर शौक पूरा कराते हैं, जो वहाँ पे शौक पूरा किया अपना छोटा सा। लेकिन अगर देखा जाए तो मुल्क के हालात इतना खराब है कि इंडिपेंडेंस डे किस चीज़ के इंडिपेंडेंस डे है, मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। अच्छा, हम सिर्फ नाम के ही आज़ाद हैं, लेकिन कोई नहीं, जैसा भी हमारा मुल्क है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। निकल लो। अभी फिलहाल धूप है तो अभी जाके ना अंदर रेस्ट करते हैं, और शाम जैसी होगी तो ऊपर जाके जो है ना फ्लैग वगैरह लगाते हैं। ये भाई साहब कह रहे थे मुझे बाजा लेके दो, लेकिन इसको शर्म नहीं आती, मुहर्रम है पड़ा, हम ये लगा रहे बहुत है। मुस्तफ़ा हैदर, आज वो लोग भी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे जो लोग मुल्क से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। A few moments later. तो यार धूप वगैरह कम हो चुकी है और अभी जाना छत पे फ्लैग को लगाने, और अभी जो है ना इसके लिए हमें जो है ना एक कील और हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि धागा जो है धागे से उसको बांधेंगे तो उसको सपोर्ट देने के लिए ईंटें वगैरह लेंगे, तो कील और हथौड़ा ले भी जाएंगे ऊपर, ताकि जो है धागा उस पर लपेट के जो है ना इसको अच्छी तरह से पक्का कर दें। अच्छा, तो यार हम जो है ना छत पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है हम फ्लैग लगाएंगे, ताकि सामने वैसे तो है कब्रिस्तान, किसी ने देखना उन्हें है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना यहीं पे लगाएंगे हम। और जो है ट्राईपॉड वगैरह मैं ले आया हूँ, ताकि मैं जो है ना, क्योंकि इसके से इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो है कोई काम करेगा, ये सिर्फ देखेगा। तो ट्राईपॉड पे जो है अपना हम लगाएंगे कैमरा, और फिर जो है ना सेट वगैरह करेंगे। तो यार इस तरह से जो है अभी फिलहाल सही नहीं लगा, अभी इसे पकड़ के रखवाया हुआ मैंने, तो अभी जो है ना सिर्फ एक कील लगाया है जो कि सबसे ऊपर लगाया है, नीचे जो है दो चार और कील लगाते हैं, लेकिन इसकी हवा जो है इस साइड पे आ रही है तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना इस साइड पे आ रहा है। यहाँ से सही लगेगा, एक मिनट, हाँ अब सही लग रहा है। वैसे उसको जाना इधर या उधर चाहिए, लेकिन ये पीछे की तरफ हो रहा है। 6 hours later. तो यार एक काफ़ी हद तक जो है मैंने पक्का कर दिया, तो ये आपको दिखा दो मैंने किस तरह से कोई ये जो है ना कील शील लगा के यहाँ उसको धागे दुगे से ना बांध दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जाएगा। अभी एक और जो है ना दो कील और लगा के उसको फिर से जो है ना धागों से लपेट लपेट देते हैं, ताकि जो है ना मज़ीद जितना हो सके और मज़बूत हो जाए। और भाई साहब खुश हो, कुछ किया तो है नहीं? हाँ अच्छा, धागा पकड़ा, हेल्प करवाइए। ठीक है भाई, ठीक है। खैर ये जो है ना नीचे जो है ना इंटे विंटे लगा के जो फिर भी एक हाथ सपोर्ट दे देंगे, उसके अलावा धागे वगैरह भी बांध देंगे, तो काम पूरा करते हैं, फिर आपको जो है ना नीचे से दिखाता हूँ कि किस तरह लग रहा है। लेकिन इस वक्त जो है ना ये ना इस साइड पर रहा ना इस साइड पर रहा, पीछे की तरफ हो रहा है, तो वो जो है ना नीचे से सही नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलो खैर है, क्या दिखा रहा जी? तो यार फाइनली जो है हमने फ्लैग लगा लिया, और मैं आपको दिखा रहा था कि मैंने जो है ईंटों से जो है उसको सपोर्ट दिया और कील शील लगा के जो है धागे शागे से बांध दिया, और ये इतना पक्का हो चुका है कि अगर मैं उसको ऐसे हिलाता भी हूँ तो कहीं नहीं जाता ये। ठीक है,
लेकिन ये जो है ना मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ क्यों हुई है, हवा की वजह से शायद, या फिर सही लगा ही नहीं हुआ शायद। नहीं सही लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। खैर नीचे जाके देखते हैं कि किस तरह से लगा है। ये तो हो गया पक्का, बस चलते हैं नीचे। Six hours later. So, यार finally we are back और 11:59 हो रहे हैं और अभी एक मिनट रहता है 12 बजने में। तो बाहर तो हम वैसे नहीं गए क्योंकि आज 25 मुहर्रम की रात है तो काफी सख्त रात है, तो घर ही रहेंगे हम आज रात। लेकिन एक मिनट के बाद हो जाएगी 14 अगस्त, तो मुस्तफा दर आजादी मुबारक। आजादी मुबारक ऊपर तो स्कैश पर पढ़ने नहीं। तो यार 12 बज चुके हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। तो यार पटाखे बजना शुरू हो गए, आवाज आ रही है, झंडा भी हमारा जो है ना लहरा रहा है बड़े मजे से, पता नहीं नजर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, बड़ा हल्का सा आ रहा है क्योंकि काफी तेज हवा चल रही है। तो शुक्र है हमने जो है ना फ्लैग काफी अच्छी तरह से बांध बूंद दिया था क्योंकि हवा जो है काफी तेज चल रही है और कहीं नहीं आता हमारा फ्लैग। अब नजर भी पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से आएगा। यार सब कुछ खराब चल रहा है लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जिस वजह से मैं कह सकता हूँ सबको आज़ादी मुबारक, वो ये है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था शहबाज शरीफ वो जो है जा चुके हैं और आई होप ये अगला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा। तो 14 अगस्त से पहले जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारा शहबाज शरीफ वो जा चुका है। यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अल्लाह हाफिज़।